हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में। अगर आपको पता नहीं है ये बात, तो आपको मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड जो है वो एक पावरफुल ऑफ रोडिंग बाइक पर काम कर रहा है, नेम्ड रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और क्या ये बाइक हिमालयन 411 को रिप्लेस करने वाला जो करंटली सेल पे है, क्या फीचर्स आने वाले हैं इसमें, प्राइस क्या होने वाला है और इसका लॉन्च डेट क्या होगा, वो सारे डिटेल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इंजन के बारे में बात करेंगे। इंजन के डिटेल्स के बारे में बताऊं तो आपको 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड मोटर इसमें मिलने वाला है, जो आपको अराउंड 40 ब्रेक हॉर्स पावर का पीक पावर प्रोड्यूस करेगा। इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स आएगा, आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स नहीं मिलेगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ प्रॉपर लॉन्ग स्ट्रोक बाइक, जो आप हिली सेक्शंस में चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसका जो लो एंड ग्रंट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, इवन बेटर देन 411। आपको पता है कि हिमालयन का जो लो एंड ग्रंट है, जैसे अगर आप ऑफ रोडिंग सिचुएशन में रहते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा पुलिंग पावर प्रोड्यूस करता है, उसी तरह रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का भी नया इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा लो और मिड रेंज में, जैसे सारे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं रॉयल एनफील्ड के, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को भी मिलेगा। इंजन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ने वाला है। आपको पावर के मामले में भी 24.3 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 32 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलेगा हिमालयन 411, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, विच इज़ अराउंड 40 ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कंपटीशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको KTM 390 एडवेंचर और BMW G310 GS और अभी नया जो आया है सुजुकी का V-Storm 250 वो भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इतने सारे कंपटीशन से आपको अभी ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो ADV का मार्केट है, ऑफ रोडिंग बाइक्स का मार्केट, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। तो आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो करंट हिमालयन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा जब रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 लॉन्च होगा। प्राइस भी बढ़ने वाला है, तो अगर आप हिमालयन लेने का सोच रहे थे, आप बजट में के बारे में भी सोच रहे थे पैसा बचा के लेने का, तो आप अब जल्दी ले लीजिए, क्योंकि जब वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो आप ले नहीं पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको 21 इंच का फ्रंट व्हील मिलेगा, 17 इंच का रेयर वायर स्पोक्ड व्हील सेटअप मिलेगा, जो हिमालयन में भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलेगा विद ब्लॉक पैटर्न ड्यूअल पर्पस, जो एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो हिमालयन में बहुत प्रॉब्लम होता था, जब टायर फ्लैट हो जाता था बहुत प्रॉब्लम होता था उसको रिप्लेस करने में, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक पैटर्न के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। बड़ा सा विंडस्क्रीन भी देखने को मिलेगा, जो आपको टूरिंग में हेल्प करेगा। और यहाँ का जो एग्जॉस्ट है वो अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट होगा, जो एक अच्छा साउंड नोट भी प्रोड्यूस करेगा। आपको बहुत सारे एक्सेसरीज भी मिलने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड लॉन्च के बारे में। यहाँ पे आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो रॉयल एनफील्ड ने मैं आपने नहीं देखा होगा, जैसे राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और राइड मोड्स। अभी ये सारे फीचर्स के साथ डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपको एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। जो इसका लॉन्च डेट है इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर, ये साल लॉन्च नहीं होगा। और ये जो एग्जिस्टिंग हिमालयन है वो डिसकंटिन्यू भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बता दूं, पावरफुल इंजन, अपग्रेडेड सस्पेंशन, ट्यूबलेस स्पोक व्हील टायर्स और फ्यूल टैंक डिजाइन चेंज, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या स्क्रैम्बलर 411 भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा? नो, वो सेल पर रहेगा। बस ये है कि हिमालयन 411 है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा फॉर अ मच बेटर एंड अपडेटेड हिमालयन 450। कुछ भी पूछना है आपको, कुछ भी अपडेट जब मिल जाता है तो आपको मैं आके बता दूंगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।